हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो एक मंथली रीडिंग होगी, जिसमें हम देखेंगे एक्वेरियस के बारे में, यानी कि एक्वेरियस की अप्रैल में कैसा जाएगा, एक्वेरियस का पूरा महीना कैसा जाएगा, क्या यूनिवर्स उनको मैसेज देना चाहेगी, क्या बदलाव उनकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, वो सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हमारे साथ रेडी रहिए। जब तक मैं शफल करती हूँ, अपनी इष्ट देव को याद कीजिए, अपनी अल्लाह ईश्वर जिनको भी मानते हैं आप, उनको याद कीजिए। और जब तक मैं शफल कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज है अप्रैल के महीने में एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ओके, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कुंभ राशि के लिए अप्रैल माह में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या होने वाला है। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ये हम ओवरऑल देखेंगे, उसके बाद हम आपकी पर्सनल लाइफ भी देखेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। एक्वेरियस कुंभ राशि अप्रैल माह में क्या होगा। ओके, तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ चुका है। एक्चुअली ये आपका ही कार्ड है एक्वेरियस, स्टार कार्ड आपके लिए होता है, ये आपकी राशि का कार्ड होता है। चलिए और निकालते हैं। नाइन ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये फर्स्ट 10 डेज की एनर्जी है गाइस अप्रैल की। तो एक्वेरियस, आपके लव, आपकी जो जनरल लाइफ है उसमें क्या होने वाला है आपके साथ, वो हम देखने वाले हैं। तो आपको एक बहुत ज़्यादा आशाएं होंगी। अगर आप जनरल रूप से इस रीडिंग को पढ़ें तो बिल्कुल आप किसी बात को लेके बहुत होपफुल रहेंगे। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा है कि आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन कुछ टेंशन में आप रहेंगे। आपको पास्ट अपना जो पास्ट याद आएगा, यानी कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। और आपको बहुत आशा है उस शुरुआत से, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं उस काम के लिए या उस ऑफर के लिए जो भी आप कर रहे हैं। कोई प्रोजेक्ट है या उसको कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस में आपने नया शुरू किया है, तो नया जॉब है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उससे बहुत होपफुल हैं। आपको बहुत आशाएं हैं अपने आगे के भविष्य को लेके, इस काम को लेके, ठीक है। लेकिन कुछ जो पास्ट है, कुछ ऐसा आप जिसको देख देख के या जिसको सबक लेके आपने बहुत कुछ सीखा है, पास्ट से आपने सबक लेके बहुत सीखा है, और वो कहीं ना कहीं वो बातें याद आके आपको टेंशन में हो जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ डर लगता है पास्ट, अपना पास्ट सोच के आपको कुछ ना कुछ डर लगता है कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ था। उन बातों को लेके आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और आपको रातों की नींद गायब है, क्योंकि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत एक नया फेज है। मतलब जो आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है, वो आपके लिए बहुत नया है उसमें, और उस नएपन से आप घबरा रहे हैं, क्योंकि आपका पास्ट कुछ गलत है, हो चुका है। मतलब गलत से मतलब मेरा सेंस ये है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको डर लगता है। उस पास्ट को लेके आप बहुत ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन ये नई शुरुआत, मैं जहां तक कहती हूँ, स्टार कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड है। देन एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन पैशनेट स्टार्ट होगा आपका। जो भी काम है उसमें आप 100% देंगे, तन्मयता से काम करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको जो आशाएं हैं वो आपकी आशाएं फुलफिल होगी। शॉर्ट्स की एनर्जी वैसे भी देखिए, आप मिडिल जो फर्स्ट 10 डेज है उसमें आपकी जो एंग्जाइटी वो एक आध दिन के लिए होगी, यानी कि आपको लगेगा, डर लगेगा, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए लगेगा, क्योंकि शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत टेम्परेरी होती है, 1-2 दिन के लिए होती है। लेकिन यहाँ मेजर आर्कना द स्टार है, द एस ऑफ वैंड्स है, ये दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड है और मेजर आर्कना है। तो इसका मतलब ये है कि आप 10 डेज में जो भी सोच रहे हैं, जिस बात के लिए आपने आशा की है, वो जरूर पूरा होगा। चलिए, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल, नया जॉब चाहते हैं तो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए, और आप उसमें 100% देंगे, यानी कि मेहनत बहुत लगेगी गाइस। चलिए और देख लेते हैं मिडिल पार्ट में क्या होता है। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए अप्रैल माह के मिडिल में क्या होने वाला है, मिडिल 10 डेज। सबसे पहले थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ दे हायरोफेंट। ओके गाइस, तो मिडिल पार्ट में आप किसी बात का सेलिब्रेशन करेंगे और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहेंगे। हो सकता है कि आपके वो दोस्त आपके अपने हों, यानी कि आपको जो दिल से भाते हैं, जो दिल से आपकी खुशी चाहते हैं, दिल से आपकी सक्सेस चाहते हैं, उन दोस्तों के साथ आपकी सेलिब्रेशन होगी। अपनी फैमिली में या अपने दोस्तों के साथ आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं, किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो मिडिल पास में आप बहुत ज़्यादा, आपकी बहुत जो क्रिएटिव वर्क का आपका, उसमें आपकी भावनाएं जागृत होगी। कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को समझेंगे कि इस काम के प्रति आपकी क्या फीलिंग्स है। अपनी फीलिंग्स को आप अपने काम से जोड़ेंगे, मन का लगाव आपका अपने काम के साथ लगेगा, और कहीं ना कहीं आप हेरोफेंट यानी कि
एक बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे। हेरोफेंट एक मेजर आर्काना होता है, एक बहुत ज्यादा ज्ञान को बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि आप बहुत ज्यादा हेरोफेंट की पोजीशन में आ जाएंगे। ये हेरोफेंट एक ऐसा पर्सन होता है जिसको जो जो अब तक नहीं सीखा वो सीख लेंगे, आप जो काम में जो आपकी कमी थी यानी कि जो काम आपको नहीं आता था वो सीखेंगे। कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट में आपका बहुत कुछ नॉलेज गेन की है आपने, यानी कि जो भी आपका नया काम है उसमें आपने बहुत नॉलेज की है और उस नॉलेज से आपने बहुत कुछ सीखा है, सबक लिया है और उस अपने काम को उस नॉलेज के जरिए बहुत सक्सेसफुल दिया है। सक्सेस आपके पास आएगी, डेफिनेटली आएगी। और द हेरोफेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अथॉरिटी पे होगा, यानी कि आप ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके काम की तारीफ करेंगे। अगेन ये जो मेजर आर्कान है वो बताता है कि आप एक बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन जाएंगे और आपकी नॉलेज को दुनिया देखेगी, यानी कि दुनिया आपकी बातों को सराहेगी, आपके जो एडवाइस होगी उसको लेगी और कहीं ना कहीं आप एक एडवाइजर के रूप में एक अथॉरिटी पोजीशन पे आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। चलिए और देखते हैं और क्या लास्ट 10 डेज में क्या एनर्जीज रहेगी आपकी। वर्क प्लेस पे जर्नल देखिए तो क्या हो गया, चलिए देखते हैं। स्प्रिट्स हमें लास्ट 10 डेज के अप्रैल के बारे में बताइए, कुंभ राशि वालों के लिए क्या होगा। ओके, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, और ले लेंगे हम एक कार्ड और चाहिए हमें। ये आने को है 5 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम में देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो गाइज लास्ट 10 डेज में आपको कहीं ना कहीं पैसे की अबंडेंस जरूर आएगी। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने जैसे कि मैंने कहा कि आप फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, वहीं आपके पास एक फाइनेंस को ग्रो करने वाली कोई चीज आपके पास आएगी, कोई ऑफर आ सकता है या आपके वो एक साथ कोई पैसा कहीं से आ सकता है आपके पास, यानी कि मनी अबंडेंस आपके पास आती हुई नजर आ रही है। एक साथ जो पैसा होता है वो आपके पास आएगा, कहीं ना कहीं आपने जो काम किए उसका रिजल्ट आपके पास आने वाला है। आप एक 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि पैसे की अबंडेंस आपके पास आने वाली है। मैं ये नहीं कहती आप एक राजा के रूप में हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो आपकी नॉलेज है, जो आपका हार्ड वर्क है, वो आपको मेहनत के रूप में जरूर मिलेगा। यानी कि जो आपने एफर्ट्स किए हैं अपने अपनी जॉब को लेके, अपने करियर के बारे में, उसका मेहनताना आपको जरूर मिलेगा, यानी कि आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा। नाइट ऑफ कप्स कहता है कि आपके पास अगेन एक ऑफर आएगा, एक ऐसा ऑफर जो कि आपकी मर्जी के मुताबिक होगा, यानी कि आप जो चाहते थे वो ऑफर आपके पास आने वाला है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी बहुत है। यानी कि आपका जो ऑफर है उसमें बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वेशन होना चाहिए, या फिर आपके बिजनेस में जो कोई ऑफर आया है उसमें बहुत ज्यादा झंझटबाजी होगी, कहीं ना कहीं आपका दिल टूटेगा। आप जो करना चाहते हैं, दिल से जुड़ा हुआ काम है आपका, और कुछ भी जो दिल से करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होगा और कहीं ना कहीं आपकी बात कोई समझ नहीं पाएगा। आप समझाना चाहेंगे तो भी लोग समझना नहीं चाहेंगे उस बात को, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आप बहुत ज्यादा आपका दिल दुखेगा। लेकिन ये दिल दुखने की बात सिर्फ ओवरऑल है गाइस, यहाँ पे दिल दुखने के बाद क्या होगा ये देखते हैं हम। बिल्कुल, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको सब कुछ भाग्य पे छोड़ देना चाहिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है, यानी कि आपको जो भी ऑफर मिलेगा या काम में आपको बहुत ज्यादा लोगों का साथ चाहिए, वो साथ नहीं मिल रहा है, वो असहयोग वाला वातावरण बना रहे हैं, अगर आपके फैमिली मेंबर या आपके बिजनेस पार्टनर या जो भी हैं आपके जॉब या बिजनेस को रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, वो अगर आपके आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी रखते हैं, तो आपको सिर्फ भगवान पे छोड़ना है। जो कुछ करेंगे भगवान पे, भगवान करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी में रहना है आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून भाग्य को दर्शाता है, अगर आपका ये ऑफर आपके भाग्य में होगा तो जरूर मिलेगा। तो आप सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ देंगे, यानी कि आपको भगवान पे विश्वास है और कहीं ना कहीं आप जो दिल तोड़ने वाली जो बात है, यानी कि आपकी जो असहमति लोग आपके साथ जता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उस बात के लिए राजी होंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है वो आपके भाग्य को दर्शाता है, यानी कि आपके भाग्य में अब पॉजिटिविटी आएगी। जो भी लोग आपके अपोजिशन में थे वो आपको सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आपका जो भी ऑफर है उसको स्वीकार करके आपका सुझाव मानेंगे। तो डेफिनेटली आपके जो फर्स्ट कार्ड जो हमें बता रहा है स्टार कार्ड, यानी कि आप अप्रैल माह में स्टार की तरह चमकेंगे, मुझे यहाँ पे लगता है। खुद की राशि का, एक तो आपका खुद की राशि का स्टार कार्ड होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाता है और कहीं ना कहीं आपको एक जो स्टार्ट है, न्यू स्टार्ट, वो सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो ये थी रीडिंग आपकी जर्नल, ओके, जॉब और करियर से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, तो बने रहिए गाइस, मेरी मेरी जो रीडिंग्स में आपको कुछ भी पसंद आ रहा है प्लीज लाइक दीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब भी करिएगा मेरे चैनल को। चलिए, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। स्पिरिट्स हमें बताइए कि एक्वेरियस के लिए उनकी पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है।
लव लाइफ कह लीजिए या फिर उनकी पर्सनल लाइफ कह लीजिए, तो दोनों को देखेंगे हम। आप मैरिड हैं, अनमैरिड, जो भी सिचुएशन होगी मैं आप बताऊंगी, ठीक है। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। अप्रैल माह में कुंभ राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ में क्या होगा, उनकी लव लाइफ का क्या होगा, चलिए। फर्स्ट एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया गाइस, और देखते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टावर, ओके। तो 10 डेज में क्या होने वाला है पर्सनल लाइफ में, अप्रैल के फर्स्ट 10 डेज में गाइस, आप एक नई शुरुआत करने का चाहेंगे, बिल्कुल आप अपने पार्टनर से एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपको लगता है जो भी आप जिसके बारे में भी रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में भी अभी आपके दिमाग में जो चल रहा है उसमें आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस मेंबर से या उस पर्सन से आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड कहता है कि आपको लगता है कि वो आपका गोल्डन कॉइन है, आप उसे खोना नहीं चाहते। सिक्स ऑफ बैंड्स का कार्ड कहता है कि आप उनसे, आपकी जो ट्रूली फीलिंग्स उनसे शादी करने की है, यानी बैंड बाजा बारात वाली स्थिति देख रही हूँ मैं, आप उनके घर बारात लेके जाना चाहते हैं, या फिर लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप, अगर आप मेल देख रहे हैं तो आप चाहते हैं कि उनके घर बारात लेके जाओ, अगर आप फीमेल देख रहे हैं तो उनको, आपको लगता है कि आपके घर कोई बारात आए यानी कि शादी हो आपकी, ऐसी फीलिंग्स आपकी हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्रिया कार्ड होता है अपने रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप है या शादीशुदा है, आप अपने रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। कोई टावर मोमेंट, अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है बात, अब ये टावर मोमेंट क्यों है हम आगे देखते हैं, लेकिन फर्स्ट 10 डेज में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, आप नई शुरुआत करेंगे, बहुत कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आ जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ अचानक कुछ ऐसा होगा जिससे आपको बहुत धक्कासा महसूस हो, अचानक चीज़ें कुछ बिगड़ने लगेगी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मिडिल 10 डेज की एनर्जी देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और चाहिए हमें, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे मुझे कोई मैरिड भी लग रहा है, अगर आप मैरिड हैं तो भी इसको देख सकते हैं। तो मिडिल 10 डेज में आप, या तो सही बात कहूँ तो टावर के नीचे कार्ड आया है, आप किसी से अलग होना चाहते हैं, यानी कि कोई रिलेशन में थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है हमारे पास, टावर का कार्ड आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ। एक्वेरियस, आप अगर सबसे बहुत रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिससे रेजोनेट होता है वो मैं बताऊंगी, जैसे कार्ड आते हैं वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं हमें। आप किसी से अलग होना चाहते हैं, यानी कि रिलेशनशिप में आपके हो सकता है दो चॉइस हो आपके पास, और किससे, कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जिंदगी भर अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि आप गोल्डन कॉइन की तरह समझते हैं, बहुत ही प्रेशियस पर्सन है आपकी जिंदगी में कोई, जिसको आप खोने से डरते हैं, उस खोने के चक्कर में आप किसी से जुदा होने के चक्कर में, यानी कि आपको किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, डिवोर्स भी हो सकता है आपका, कुछ भी हो सकता है, आपको पीछे छोड़ना पड़ रहा है किसी को, और उसको, यानी कि आपके जो पर्सन है जिनको आप चाहते हैं उनसे कुछ कमिटमेंट देना चाहेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि आप, आपकी निगाहें सिर्फ उन्हीं पे टिकी है, आप और कहीं जाना नहीं चाहते और कहीं देखना नहीं चाहते, आपके पास ऑप्शन होंगे लेकिन आप सिर्फ उसी पे टिके हैं, आपकी निगाहें उन्हीं पे टिकी है, आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको, उन पर नज़र रखी है आपने कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में, लेकिन आप उनको खोने से डरते हैं, आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी खुशी है, अगर ये चली जाएगी तो, या चला जाएगा तो क्या होगा। तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आपको किसी को अपनी लाइफ से कट करना ही पड़ेगा। देखते हैं और क्या कार्ड आते हैं गाइस। ये सबसे मैच नहीं होगी, लेकिन अगर मैच होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना मैच होता है आपसे रीडिंग, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, देखते हैं लास्ट वाली एनर्जी। टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसा कि मैंने कहा, बताती हूँ अभी, किंग ऑफ कप्स, ओके, एंड द लास्ट कार्ड देखिएगा, जजमेंट का कार्ड आ गया, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए, डेविल। ये सारे कार्ड्स मुझे यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है,
टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये थर्ड पार्टी को दर्शा रहे हैं। थर्ड पार्टी वो है जो आपके और आपके जो पार्टनर जिनसे आप लव फील करते हैं उनके बीच में जो आ रहा है वो इंसान थर्ड पार्टी है, वो कुछ भी हो सकता है गाइज यहाँ पे। लेकिन मुझे आपका कोई कार्मिक कनेक्शन लगता है, मुझे किसी से आपका कोई कार्मिक कनेक्शन लगता है जिसको आप पीछे छोड़ के इनके पास आना चाहते हैं जिनको आप लव करते हैं। किंग ऑफ कप्स कहता है कि आपसे उनकी भावनाएं बिल्कुल प्योर है, आप जानते हैं उनके बारे में, आप पहले से ही जानते हैं कौन पर्सन है और आप अच्छे से जानते हैं कि उनकी भावनाएं आपके लिए बहुत प्योर है, आपसे प्यार उनका बिल्कुल सच्चा है। जो भी आपका कनेक्शन है वो बिल्कुल ट्रूली आगे बढ़ेगा, यानी कि जो भी कनेक्शन है उसमें आप सत्यता को मानते हैं, यानी कि जो सच बात है वो जानते हैं आपके आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जजमेंट का कार्ड है, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि कोई और भी है जिसके बारे में आपके माइंड में जगलिंग चल रही है। आप दो चीजों में सोचना चाहते हैं, दो चीजों में चॉइस करना चाहते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, दो क्रॉस रोड पे खड़े हैं एक्चुअली, आप चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ये डिसीजन आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया। आपको एक वेकअप कॉल मिली है, आपको कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक चॉइस चुननी है और जो चॉइस है वो आपकी सिर्फ उस प्यार के लिए है जिसको आप पसंद करते हैं। तो जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि जिसको पीछे छोड़ना है वो छोड़िए, और एक आपको वेकअप कॉल मिली है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन अप्रैल माह में जरूर करना पड़ेगा कि किसी को छोड़ना पड़ेगा, किसी को आगे बढ़ना है। जो सही है वो करेंगे, आपको जो सही है वो उसका पता चल चुका है क्योंकि एक वेकअप कॉल होती है भगवान के द्वारा, आपका भगवान आपको पुश कर रहा है किसी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए। आपको कोई ना कहीं अपनी जो गट फीलिंग बता रही है कि आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना है, किसी को चूज करना है, तो प्लीज करिए। ये कार्ड कहता है कि जो भी आपका कार्मिक कनेक्शन है जिसमें आप फंसे हुए हैं, चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे, वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। ये टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होते हैं वो जिंदगी भर के लिए एक टॉक्सिक, यानी कि एक कैसे बताऊं मैं, यानी कि एक ऐसा बंधन होता है जिसको आदमी चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। तो वो एनर्जीज ऐसी होती हैं कि वो भी दुखी है आप भी दुखी हैं, तो जो चीज छोड़नी, कहीं हो सकता है कि आपके पार्टनर भी आपसे ऐसा ही कुछ चाहते हैं कि आप डिसीजन लें और उनको अपने जो बंधन है उससे दूर करें, वो भी चाहते हैं और आप भी चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है तो प्लीज डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा। और एक कार्मिक कनेक्शन है आपका किसी के साथ टॉक्सिक बना हुआ है जो कि उसे छोड़ना छोड़ना पड़ेगा, और ये वेकअप कॉल आपको मिल चुकी है, यानी कि आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मेरा अपना कौन है, मुझे क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये आप पे है डिपेंड करता है, आप किसको चुनेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, आप जिसे भी चाहते हैं उसे भगवान करे आपका बहुत कुछ अच्छा हो, बस जीवन सफर आपका उसके साथ हो। तो ये थी रीडिंग, आपको कुछ भी पसंद आई रेजोनेट करती है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।